वेलकम टू ऑल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर वन दरोगा के लिए पार्ट नंबर टू। ऑलरेडी पार्ट नंबर वन हम रिलीज कर चुके हैं, जिसमें हमने उत्तराखंड स्पेसिफिक बहुत सारी चीज़ें देखी और हॉर्टिकल्चर को भी कवर कर चुके हैं। ये रहेगा पार्ट नंबर टू। इसमें हम लाइव स्टॉक, बी कीपिंग, सेरीकल्चर, फिशरीज, ऐसा नहीं कि हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, हम यहाँ पर स्टेट स्पेसिफिक चीज़ें पढ़ेंगे जो कि एक हमें बेसिक समझ होनी चाहिए अगर हम वन दरोगा का पेपर देने जा रहे हैं। उसके साथ आज इस पूरी वीडियो में प्लांट डिजीजेस कवर करेंगे, कौन कौन सी जो डिजीजेज हैं, कौन कौन से एजेंट हैं, कौन कौन से पैथोजन हैं, ये सब हम इस पूरी वीडियो में कवर करेंगे। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, टोटल तीन पार्ट में ये आएगा। इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो लास्ट पार्ट रहेगा, उसमें हम बहुत सारी क्रॉपिंग पैटर्न और जितनी बेसिक डिटेल होंगी वो सब कवर करेंगे, बाकी जितनी चीज़ें होंगी वो हम एमसीक्यू बेस्ड करेंगे। ओके, उत्तराखंड की लाइव स्टॉक की अगर मैं बारे में बात करता हूँ तो देखिए, बहुत सारे लाइव स्टॉक उत्तराखंड में पाए जाते हैं, जैसे कैटल, बफेलो, गॉट, सिप, पिग, हॉर्स, ठीक है, पोनी, म्यूल एंड पोल्ट्री। ओके, तो ये सब चीज़ें सब लोग यहाँ पर पालते हैं। ओके, मेन फीचर यहाँ पर ये है कि उत्तराखंड में लाइव स्टॉक तो बहुत ज़्यादा हैं, उनकी ह्यूज पॉपुलेशन है लाइव स्टॉक की, बट उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम देखी जाती है, ठीक है। उसके बाद द लाइव स्टॉक होल्डिंग पर हाउस होल्ड इज स्मॉल एंड मिक्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। हर एक हाउस होल्ड, अगर किसी भी घर में आप देखें, जो भी लाइव स्टॉक, जो भी फार्मिंग करते हैं, तो उसमें अलग अलग स्पीसीज हमको देखने को मिल जाती है। उसके बाद ट्राइबल पॉपुलेशन की अगर हम बात करते हैं, तो पर्टिकुलरली स्पेसिफिक अगर बात करते हैं गुज्जर्स की, तो उनके पास लार्ज नंबर ऑफ बफेलोज और सिप रहती हैं, ठीक है। अब देखिए, ये प्रिलिम्स में बार बार प्रिलिम्स कहता हूँ, प्रिलिम्स का मतलब है जो एमसीक्यू बेस्ड होंगे, ठीक है। तो देखिए, रिसेंट डाटा है 2017 और 2018 का, एनिमल हस्बेंड्री जो उत्तराखंड की वेबसाइट है, जो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री का ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से ये लिया गया है डाटा, ठीक है। एक बेसिक नॉलेज क्या होनी चाहिए यहाँ पर दिया है, राज्य का, देश का कुल मांस उत्पादन, ठीक है। तो इंडिया के रिस्पेक्ट में अभी का देख लेते हैं, इंडिया के रिस्पेक्ट में है उत्तराखंड में मांस उत्पादन 0.38, ठीक है, मांस का प्रोडक्शन 0.38, ये परसेंट हल्का सा हम समझने के लिए याद कर लेंगे। मे बी अगर पूछा जाए तो हम इतने एबल होने चाहिए कि इसको 0.38 थोड़ा सा आ जाए। उसके बाद दो तीन और कुछ ऐसे फैक्ट देख लेते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड की, कुछ तो लर्न होना चाहिए उत्तराखंड के बारे में, कुछ तो समझ होनी चाहिए। उसके बाद राज्य के, देश का उत्पादन में ऊन उत्पादन की बात करें, ठीक है, ऊन के प्रोडक्शन में इंडिया कितना है, इंडिया का जो उत्तराखंड है कितना परसेंट है इंडिया का, मतलब जो टोटल प्रोडक्शन होता है, देखिए इतना है, आपको ये न्यूमेरिकल वैल्यू बिल्कुल याद करने की ज़रूरत नहीं है, 1.36% पूरे इंडिया का उत्तराखंड 1.36% का ऊन का क्या करता है, प्रोडक्शन करता है, यानी कि उत्पादन करता है। अगर अंडे की बात करें तो अंडे का उत्पादन कितना होता है इंडिया के रिस्पेक्ट में, 0.45%, ठीक है। दो तीन न्यूमेरिकल वैल्यू याद कर लेते हैं बस। और डेयरी फार्मिंग, जैसा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है डेयरी अपने आप में ही, तो 0.99% इंडिया के बेसिस पर उत्तराखंड 0.99 प्रोडक्शन करता है। अब उसके बाद एक और फैक्ट है जो कि देखिए, रिसेंट डाटा 2012 के अनुसार ही यहाँ पर वेबसाइट में अवेलेबल था, जो कि मैं रिसेंट ही आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि अभी 2017-2018 का आया हो। इससे पहले के जो हमने ये डाटा किए थे ये 2017 और 2018 के रिसेंट थे। और अगर बात करें पशुधन संख्या कितनी है, और सबसे ज़्यादा अगर चार ऑप्शन आते हैं, देखिए यहाँ पर दो फैक्ट हमें याद करने हैं कि देखिए, गाय के बारे में हमें डेयरी के बारे में कुछ पता होना चाहिए। देखिए, हमारी जो गायें हैं क्रॉस ब्रिड भी हैं, स्वदेशी भी होती हैं, और कुल क्रॉस ब्रिड होंगी या स्वदेशी होंगी, सिंपल सी बात है, जिसमें ब्रीडिंग करवाई होगी, क्रॉस ब्रिड करवाया होगा दो अलग अलग स्पीसीज़ का, ओके, गायों में ही, ठीक है। तो क्रॉस ब्रिड ज़्यादा है या स्वदेशी ज़्यादा है, तो ये है क्रॉस ब्रिड ज़्यादा, ठीक है। क्रॉस ब्रिड कितनी है, 1.25% है, तो याद रख लेना। छोटा सा अगर ये क्वेश्चन आ गया कि क्रॉस ब्रिड गाय ज़्यादा है या स्वदेशी है, तो क्रॉस ब्रिड ज़्यादा है। उसके बाद पशुधन में सबसे ज़्यादा की संख्या किसकी है, अगर ऐसा पूछा जाता है तो ये चीज़ याद रखना। अगर पूछा जाता है, चार ऑप्शन देंगे, बकरी ज़्यादा है उत्तराखंड में, सूकर है, गधा है या खच्चर है, तो खच्चर सबसे ज़्यादा है, देखो 13.70, ठीक है। बस ये छोटी छोटे डिटेल हैं, बेसिक चीज़ जो मैंने, मे भी पूछी जा सकती हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। उसके बाद बी कीपिंग देख लेते हैं। बी कीपिंग एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है जो कि उत्तराखंड राज्य में फॉलो की जाती है। जनरली इसको कॉमर्शियली एक्सप्लोइट नहीं किया जाता है उतना ज़्यादा, वैसे तो उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर बात करें बी कीपिंग की, तो उसमें कॉमर्शियली उसको
एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, बट उतना ज़्यादा हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और उतना ज़्यादा हनी बी का प्रोडक्शन हम नहीं कर पाते हैं। अब जो पूछा जा सकता है वाला फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, जो कि आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। देखिए, जो स्पीसीज़ की हनी बी की स्पीसीज़ होती हैं जो स्टेट में पाली जाती हैं, जैसे एपिस मेलीफेरा और एपिस सेरेना, दो स्पीसीज याद रखनी है हनी बी की। एक तो क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चार स्पीसीज़ के आपको नाम दे दिया जाएंगे, इनमें से एपिस मेलीफेरा किसकी स्पीसीज़ है, ये हनी बी की है, ठीक है, हाउस फ्लाई की है, किसकी है ये, ठीक है। तो एपिस मेलीफेरा किसकी है, हनी बी की, और एपिस सेरेना भी किसकी है, हनी बी की। दूसरा क्वेश्चन ये फ्रेम हो सकता है, जो एपिस मेलीफेरा है वो प्लेन एरियाज़ में रेयर पाली जाती हैं या होती हैं जनरली, और एपिस सेरेना जो है पहाड़ों में, पहाड़ी क्षेत्र में, ठीक है। उत्तराखंड की स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, ये किसी और स्टेट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। तो प्लेन क्षेत्र में ऑलरेडी पहली पार्ट में हम बता चुके थे कि प्लेन क्या होता है और हिल रीजन कौन कौन से हैं। अगर बात करें हनी बी अगर उत्तराखंड की, जुलाई से अगस्त के टाइम में ये अपने फूड के सर्च में जाती हैं इधर उधर, और पूरा प्रमोट करना, बी कीपिंग को प्रमोट करने का जो नोडल एजेंसी है वो है खादी विलेज एंड इंडस्ट्री कमीशन, KVIC, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि अगर सपोज एटलीस्ट जो एक फैमिली है या एक डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करता हूँ, एक ज़िले में अगर 1,000 मिलियन टन का प्रोडक्शन होता है तो बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़, बहुत ज़्यादा इनॉर्मस अमाउंट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सकती हैं उत्तराखंड में। तो ये आप UKPSC के मेंस में भी लिख सकते हैं, बट अभी तो हम स्पेसिफिक बंदरगाह के लिए ये चीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब उत्तराखंड के कुछ सेरिकल्चर के बारे में बात करते हैं। रेशम के कीड़ों का पालन होता है। देखिए, उत्तराखंड हैज़ एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ मलबरी एंड जार सिल्क प्रोडक्शन। मलबरी एक हाई क्वालिटी ऑफ सिल्क का हम कह सकते हैं, मलबरी और जार सिल्क दो अलग तरीके के क्वालिटी के हैं। जैसे हम कहते हैं ना, कोई सपोज मान के चलो कोई पेंसिल है, एक हाई क्वालिटी की है एक लो क्वालिटी की है, पर दोनों पेंसिल है, वैसे ही मलबरी और जार जो है सिल्क के हम कहेंगे दो अलग टाइप हैं, जिसमें कि मलबरी को एज ए बहुत हाई क्वालिटी माना जाता है, बहुत जितने भी टेक्सटाइल्स होते हैं मलबरी से बनते हैं, ठीक है। उसके बाद एज अ रिच इन नेचुरल वेजिटेशन ऑफ ओक एंड पाइन इन द सेंट्रल हिमालयाज, ठीक है, सेंट्रल हिमालयाज में इसका बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन भी होता है। उसके बाद जो एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन है उत्तराखंड की अगर मैं बात करूँ तो मलबरी सिल्क के लिए बहुत अच्छी है कंडीशन, उसके जो सर्वाइवल कंडीशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं अगर मलबरी सिल्क के बारे में बात करें। एक अच्छा पोटेंशियल है जार सिल्क के लिए, जैसे चंपावत और पिथौरागढ़ ज़िले में, ठीक है। फिर उसके बाद बहुत सारे मलबरी फार्म्स हैं, बहुत ज़्यादा जो सेरिकल्चर सोसाइटीज़ हैं जो कि मलबरी के प्रोडक्शन को प्रमोट करती हैं। टेक्नोलॉजिकल डिसेमिनेशन भी किया जाता है, डिसेमिनेशन का मतलब होता है टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड, मलबरी से रिलेटेड, ठीक है। बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो इस पर डिपेंड रहती हैं। कोकून के अगर बारे में बात करूँ, कोकून होता क्या है, इसके बारे में बेसिक नॉलेज यही है कि कोकून जैसे लार्वा होता है, जो सिल्क वॉर्म होता है जिस कीड़े से ये रेशम निकलता है, नेचुरल फाइबर है सिल्क ना, तो कोकून लार्वा होता है और इसी से सिल्क बनाया जाता है, ठीक है। बाकी अगर थोड़ा सा और ज़्यादा स्पेसिफिक जाएं, जितना मैंने आपको बताना सही समझा कि हाँ ये पूछा जा सकता है, तो मैंने वो चीज़ आपके यहाँ पर डाल रखी है। नियरली 80% जो कोकून प्रोडक्शन होता है वो देहरादून डिस्ट्रिक्ट में कंसंट्रेटेड है, अगर उत्तराखंड ज़िले की मैं बारे में बात करूँ, ठीक है। इसके बाद कुछ फिशरीज़ के बारे में, इसमें कोई वन लाइनर फैक्ट नहीं है, बट इमेज क्रिएट करने के लिए, फिशरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है अगर उत्तराखंड के बारे में बात करूँ। आप अगर बात करें किसी भी नदी की, उसके ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में, हाई या लो एल्टीट्यूड के बारे में, नेचुरल लेक्स के बारे में, पॉन्ड्स के बारे में, तो फिशरीज़ का प्रोडक्शन होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ दी गई हैं, फूड एंड गेम फिशरीज। देखिए, फूड एंड गेम फिशेज क्या होती हैं, फूड एंड गेम फिशेज का मतलब ये होता है कि ऐसी मछलियाँ जिनको पकड़ के खा लिया जाता है, यानी कि खाने के लिए ही, कंज्यूम खुद के कंजम्पशन के लिए उन मछलियों को पकड़ा जाता है। उसमें अगर उत्तराखंड के बारे में बात करूँ तो माइनर क्रैप्स हैं, ट्राउट हैं, एसाइला एंड महासीर हैं। अगर आप इनकी पिक से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे ये एसाइला और महासीर देखिए, आप समझ जाएंगे कि हाँ ये तो हमने भी फिशिंग की है, आप इतना समझ सकते हैं एसाइला और महासीर। अभी देखते हैं कि कौन कौन सी इंडिजिनियस हैं, कौन सी एक्जॉटिक है। एक्जॉटिक का मतलब होता है जो दूसरे क्लाइमेटिक कंडीशन से उत्तराखंड लाई गई है, मे बी दूसरे स्टेट से, ज़्यादातर किसी दूसरे कंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरली कंट्री से भी लाई जाएंगी। एक्जॉटिक का मतलब ये होता है कि किसी दूसरे जगह से
या दूसरी एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन के बेसिस पर या किसी दूसरी क्लाइमेटिक कंडीशन से किसी एक जगह लाना, उसे एग्जॉटिक फिशेस कहते हैं। बाकी दूसरी फिशेस कौन सी होती हैं, फूड एंड गेम फिशेस, इनको पकड़ के, इनको पकड़ा ही मारने खाने के लिए जाता है। ओके, उसके बाद दीज वाटर बॉडीज आर एक्सलेंट सोर्स ऑफ फिश प्रोडक्शन, बहुत ज़्यादा फिश प्रोडक्शन होता है। अपलैंड रीजन ऑफ उत्तराखंड प्रोवाइड्स कंड्यूसिव इकोलॉजी फॉर कल्चर एंड कैप्चर ऑफ कोल्ड वाटर फिश, ठीक, जो कोल्ड वाटर में रहती हैं फिशेज उनके लिए जो अपलैंड है, पहाड़ी क्षेत्र भी है, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट इकोलॉजी प्रोवाइड करता है। उसके बाद यहाँ पर कुछ उत्तराखंड का स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट वाइज डिटेल दी गई है कि वेयर इज प्लेन एरियाज ऑफ उधम सिंह नगर, हरिद्वार एंड देहरादून डिस्ट्रिक्ट आर सुटेबल फॉर कल्चर ऑपरेशन ऑफ इंडियन मेजर क्रैप्स, जैसे काटला है, रोहू है, मिरीगल है, ठीक है, ये इंडिया के हैं। एज वेल एज एग्जॉटिक क्रैप्स, जैसे सिल्वर क्रैप है, ग्रास क्रैप है, कॉमन क्रैप है। एग्जॉटिक का मतलब समझ गए ना, कि एग्जॉटिक का मतलब होता है किसी दूसरी क्लाइमेटिक कंडीशन में वो रहती हैं बट यहाँ पर लाई जाती हैं। उसके बाद अगर इंडिजिनियस की बात करें, जो पहले से ही हैं, अगर स्टेट स्पेसिफिक की बात करें तो महासीर और असाइला, और यहाँ पर तो जैसे आप देखेंगे चंपावत का ज़िला है हमारा, जो और ज़िले भी हैं जैसे पिथौरागढ़ के ज़िले हैं, तो ये इसका बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, महासीर और असाइला का, ठीक है, महासीर और असाइला। ओके, इंडिजिनस फिशेज हैं और इनको फिश एंड गेम फिशेज कहते हैं, फूड एंड गेम फिशेज कहते हैं, यानी कि इनको कैच किया जाता है खाने के लिए। उसके बाद महासीर हैपन्स टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट गेम फिश इन द स्टेट एंड रैपिडली बींग एक्सेप्टेबल एज एग्जॉटिक फूड फिश, और इसको बहुत ज़्यादा खाया भी जाता है, दूसरे के ले भी जाया जाता है। बिसाइड्स टू अदर एग्जॉटिक वेराइटीज़ ऑफ फिश फॉर कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस विज, देखिए एग्जॉटिक फिश हैं उनको एक जगह, मैंने ये बोला कि किसी एक जगह से एक क्लाइमेटिक कंडीशन से दूसरे क्लाइमेटिक कंडीशन में ले जाया जाता है पहना, तो ये याद रखना आपको। दूसरा, ऐसा पूछेंगे नहीं, ठीक है, ये आपकी समझ के लिए बता रहा हूँ। बहुत सारी ऐसी होती हैं फिशेस जो कॉमर्शियली उनको बेचा जाता है, जैसे एक्सपोर्ट किया जाता है इंडिया से, तो उसमें भी ये इंक्लूड हो जाती हैं। ओके, उसके बाद आपको ये याद रख लेना है कि महासीर और असाइला इंडिजिनियस इंपॉर्टेंट फिश हैं। अगर पूछा जाता है कि फिश ऑफ कोल्ड वाटर के लिए उत्तराखंड में कौन कौन सी हैं, दो का नाम, चार ऑप्शन दे दिया जाएंगे, उसमें महासीर और असाइला आपको याद रखनी है, ये इंडिजिनियस इंपॉर्टेंट फिश हैं कोल्ड वाटर के लिए। ओके, उसके बाद है ट्राउट और मिरर क्रैप, कैर्प कैन बी प्रोपागेटेड रियर्ड एंड डेवलप्ड इन हिली रीजन ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र में ट्राउट को, मिरर कैर्प को रियर किया जाता है। ट्राउट ब्राउन और रेनबो कैन बी ब्रेड एंड रियर्ड एंड फाइनली स्टॉक्ड इन द स्ट्रीम्स, ठीक है, तो ट्राउट है, ये सब याद रखना है। और उसके बाद बहुत सारी अगर फर्टिलाइजर के बारे में बात करूँ, ये थोड़ा सा जो वन लाइनर है वो आपको मैं बताऊँगा, ठीक है। बहुत सारे जो एडुकेट किसी भी चीज़ को, अगर सॉइल को या क्रॉप्स को अच्छी फसल बनाना है तो एडुकेट अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर उसको जरूरत रहती है। जैसे कि आपने फूड वाले चैप्टर में, जो वंदरोगा का सिलेबस है फूड वाले चैप्टर में, उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें देखी मेंशन है, जैसे मैन्योर है, फर्टिलाइजर्स हैं, कितना, तो उत्तराखंड के स्पेसिफिक वो पूछा जा सकता है कि किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। उसमें एनपीके दे देंगे तो फिर हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, नाइट्रोजन फॉस्फोरस या पोटेशियम क्या है, तो उसके बेसिस पर मैंने ये चीज़ें डाली हैं, उस बेसिस पर जो फूड वाले चैप्टर में दिया गया है। तो एडुकेट एंड टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट इज एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर ग्रोथ, ठीक है, तो टाइम से फर्टिलाइजर देना चाहिए। ए डायनेमिक ग्रोइंग एग्रीकल्चर सेक्टर रिक्वायर्स सीड, देखिए बीज चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, प्लांट का प्रोटेक्शन होना चाहिए, कौन कौन से केमिकल्स हम यूज़ कर सकते हैं, बायोपेस्टिसाइड कौन से यूज़ करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसके बेसिस पे क्रॉप का प्रोडक्शन और उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ सके। अब कौन कौन से इनपुट को यूज़ करते हैं वो हम देख लेते हैं, जैसे फर्टिलाइजर का यूज़ करना, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना, ट्रैक्टर्स का यूज़ करना, ट्यूबवेल्स का यूज़ करना, ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं। उसके बाद अगर बात करें उत्तराखंड के बेसिस पर, अगर उत्तराखंड का स्पेसिफिक बारे में बात करें, तो उत्तराखंड इज़ लैगिंग बिहाइंड द यूज़ ऑफ दीज इनपुट, जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, ये फर्टिलाइजर है, उर्वरक हैं, उनके बहुत ज़्यादा पीछे है। और अगर हम कंपेयर करें दूसरे राज्यों से, तो फर्टिलाइजर का कंजम्पशन बहुत कम है। इसको एज ए पॉजिटिव वे में भी लिया जा सकता है, इसको नेगेटिव वे में भी लिया जा सकता है। देखिए जैसे अगर पंजाब और हरियाणा के किसान के बारे में बात करें, तो वो मिडिल इनकम ग्रुप में आते हैं ज़्यादातर सभी किसान,
ठीक है, तो वो ज़्यादा उर्वरक का एक तरह से साइंटिफिक वे में फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर उतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, लिटरेसी उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। दूसरा, इकोनॉमी उतनी, इकोनॉमिक कंडीशन यहाँ के किसानों की अच्छी नहीं है, तो ये फर्टिलाइजर कंडीशन, फर्टिलाइजर का एक्सट्रीमली उतना उपयोग नहीं हो पाता है। बाकी अगर बात करें इन्फॉर्मेशन की, इन्फॉर्मेशन ऑन द परसेंटेज ऑफ कल्टिवेटेड एरिया ऑफ द वीट एंड पैडी अंडर द हाई यील्डिंग वैरायटी सीड इज़ नॉट अवेलेबल। इवन जो गवर्नमेंट का डाटा है, इवन गवर्नमेंट की जो चीज़ें हैं, स्कीम्स हैं, वो भी उतना ज़्यादा स्ट्रांगली या हम कह सकते हैं अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं की जाती हैं। बाकी अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग की बारे में बात करूँ, तो उत्तराखंड बहुत अच्छा ऑर्गेनिक फार्मिंग में पोटेंशियल है। अब एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे, अगर सपोज ऑर्गेनिक फार्मिंग पूछा जाता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग इनमें से क्या है, सबसे पहला ऑप्शन आपको दिया जाता है, मान के चलो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसी फार्मिंग है जिसमें कोई भी केमिकल का यूज़ नहीं होता है, ओनली नेचुरल सब्सटेंस का यूज़ होता है, पहला ऑप्शन। दूसरा, नेचुरल सब्सटेंस के साथ हल्की अमाउंट में केमिकल्स मिला सकते हैं, दूसरा ये है। तीसरा है दोनों, तीसरा चलो चलो दो ही ऑप्शन, दो चार ऑप्शन बना के वेस्ट नहीं करते हैं टाइम, ठीक है। तो आंसर याद रखना, बहुत सारे लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग का ये समझते हैं कि बस नेचुरल चीज़ होती है, गाय का गोबर होता है, बहुत सारे जो बायोमास होता है वो है ऑर्गेनिक मैन्योर, बट ऐसा नहीं होता। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हल्का सा जो नेचुरल चीज़ों के साथ साथ केमिकल फर्टिलाइजर का भी यूज़ होता है हल्का अमाउंट में, तो इसका मतलब ओनली आप जहां ऑप्शन आएगा वो गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर उत्तराखंड के बारे में बात करूं, तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, मैसिव इन्वेस्टमेंट इज़ नीडेड टू एड्रेस दिस शॉर्टकमिंग। अगर उत्तराखंड राज्य के बारे में बात करूं, राज्य सरकार को मैसिव इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, अगर हम बात करें इस जो भी ये एड्रेस करने के लिए, इसके सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट के बारे में बात करूं, तो नाइट्रोजनस 26 फर्टिलाइजर वर प्रिफर्ड ओवर फॉस्फेटिक एंड पोटासिक फर्टिलाइजर। ज़्यादातर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और जो पोटेशियम है उनके बेसिस पर नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है उत्तराखंड में, ठीक है। तो ये सब हमने पूरा उत्तराखंड बेसिस में जो भी जितनी भी चीज़ें थी, बेसिक एक समझ होनी चाहिए, मैं करा चुका हूँ। देखिए यहाँ पर आप लाइक कर दीजिए वीडियो को, देखिए पहली वीडियो पार्ट में बहुत अच्छा आपने रिस्पॉन्स दिया, मैंने 150 लाइक्स के लिए बोला था, आपने 300 तक ऑलमोस्ट हो चुके हैं उसमें, तो मैं भी यही चाहता हूं कि जो जो लोग अभी देख चुके हैं, यहां पर देख चुके हैं, सभी लोग वीडियो पॉज करके लाइक करें, क्योंकि आपके लिए ये डाटा हम लेकर आते हैं। और तीसरा पार्ट भी हमारा इसी बेसिस पर पूरा कॉम्प्रिहेंसिव रहेगा, जिसके बेसिस पर एग्रीकल्चर का कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये ना हो कि अरे यार ये चीज़ हमने पढ़ी नहीं है, बेसिक चीज़ समझ होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा पार्ट जो होगा लास्ट होगा, फिर इसके बाद जो पीडीएफ होगी इसकी, देखो ये पीडीएफ होगी, मैं शेयर कर दूंगा, अगर नोट्स किसी को नहीं बनाने हैं तो वो नहीं भी बना सकता, मैं जल्दी ही इसकी पीडीएफ डाल दूंगा, आप लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर मैं कोई पीडीएफ शेयर करता हूँ या दूसरी चीज़ें शेयर करता हूँ, तो आपको ये चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना है अभी के अभी, ठीक है। पंकज बोरा उत्तराखंड यूके पीएससी, अगर टेलीग्राम ग्रुप में, वैसे लिंक जो है आपको टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद अगर नहीं मिलता है, सपोज आप फिर भी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो पंकज बोरा उत्तराखंड यूके पीएससी आप सर्च करेंगे टेलीग्राम में, तो मेरा चैनल आ जाएगा, तो आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। जितनी भी चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट, देखो मैं सडन कोई अपडेट है उत्तराखंड से रिलेटेड, और बहुत सारी जो चीज़ें हैं मैं शेयर करते रहता हूँ, जितनी भी पीडीएफ्स हैं, जैसे पीएच वैल्यू जो आ सकता है, देखो ये पीएच वैल्यू क्या है ह्यूमन का, या इतनी जो भी चीज़ें होती हैं रिएक्टिविटी सीरीज पूछी जा सकती है, तो ये सब मैं शेयर करते रहता हूँ, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हुए हम डिस्कस करते हैं आज का मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो व्हाट इज़ प्लांट डिजीजेज, ओके, या डिजीज़ क्या होती है, प्लांट डिजीज़ क्या है, सबसे पहले बेसिक से चीज़ से स्टार्ट करते हैं। एनी डिस्टर्बेंस दैट इंटरफेयर्स विथ नॉर्मल ग्रोथ, डेवलपमेंट, फंक्शन, इकोनॉमिक वैल्यूज़, एस्थेटिक क्वालिटी ऑफ अ प्लांट। जनरली क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज़ ना, देखिए जो पौधे की सामान्य वृद्धि हो गई, विकास हो गया, कार्य या आर्थिक मूल्य, यानी कि उसकी इकोनॉमिक वैल्यू को डिग्रेड कर रही है, कम कर रही है, या जिस तरह से उसकी ऑर्नामेंटल चीज़ें जैसे होती है ना, एस्थेटिक वैल्यू की, मतलब सुंदरता वाली चीज़ें होती हैं किसी पौधे की, अगर वो घट जाती हैं, उस पर कोई गड़बड़ी आ जाती है, तो हम कह सकते हैं कि उस
या उस टर्म को या उस प्रोसेस को, वो एक प्लांट डिजीज़ है, यानी कि पौधे का वो रोग है। अब प्लांट डिजीज़ की अगर बारे में बात करूँ तो दो तरीके से फैल सकती है, ठीक है। एक हो सकती है बायोटिक, जिसे जैविक कहते हैं, रोगजनक, और दूसरी एबायोटिक कहते हैं, जिसे अजैविक कहेंगे, ठीक है। एक एक करके जो एबायोटिक फैक्टर हैं, नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे टेम्परेचर हो गया, मॉइस्चर हो गया, नमी जिसे बोलते हैं, न्यूट्रिशन की कमी हो गई, टॉक्सिसिटी यानी कि बहुत ज़्यादा कभी कभी, जैसे बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो उसी प्लांट के लिए या उसी प्लांट की डेफिशिएंसी की वजह से, उस एलिमेंट की डेफिशिएंसी, अभी हम डेफिशिएंसी वाले टॉपिक करने वाले हैं कि हाँ कॉपर की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज़ हो सकता है, ये सब हम कवर नहीं करेंगे, ठीक है। कल्चरल, कल्चरल का मतलब होता है क्या उस कल्चर में वो अच्छे से सर्वाइव कर पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो वही हो गया तापमान, नमी, पोषण, ठीक है। बाकी टॉक्सिसिटी का मतलब कितना ज़्यादा एलिमेंट का वो है, या बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है जो फैक्ट्रीज़ के धुएँ से, स्मोक से। बायोटिक लिविंग फैक्टर्स में फंजाई हो गया, कवक, बैक्टीरिया हो गया, जीवाणु, वायरसेस हो गया, विषाणु, वायरॉइड्स हो गया, नीमाटोड्स। नीमाटोड्स क्या होते हैं, जो अर्थवर्म्स जैसे होते हैं ना, ठीक है, वर्म्स के फाइलम में ही आते हैं नीमाटोड्स, ओके। और अदर्स एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं एक छोटी सी इमेज। देखो यहाँ पर दे रखे हैं लिविंग और बायोटिक के बेसिस पर क्या होता है, जैसे नीमाटोड, पैरासाइटिक प्लांट, फंजाई, ठीक है, इनसे प्लांट डिजीजेस होती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स में न्यूट्रेंट, लो ऑक्सीजन होना, ड्रॉट, सूखा पड़ना, हीट और फ्रॉस्ट, बहुत ज़्यादा गर्मी होना, बहुत फ्रॉस्ट मतलब जम जाना, ठीक है, मैकेनिकल इम्पैक्ट, इस वजह से ये हमारी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो कि इम्पैक्ट करती हैं प्लांट डिजीजेज में, ओके। अब मैं धीरे धीरे क्या करूँगा, डायरेक्ट आपको प्लांट डिजीज़ के बारे में वन लाइनर फैक्ट नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि ये सब पढ़ाते हैं और बेसिक सी चीज़ आप एक तरह से रट लेते हो। मैं आपको यहाँ पर से इसलिए धीरे धीरे बता रहा हूँ ताकि आपके माइंड में एक इमेज बन जाए कि एक्चुअल में प्लांट डिजीजेज हैं क्या, ठीक है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, एग्जांपल क्या है, टोमेटो की डिजीज़, टमाटर की डिजीजेज हैं, ठीक है। मैं डायरेक्ट क्या कर सकता हूँ आपको, देखो ये, यह देखो यहाँ पर दी हैं ये डिजीजेज दे रखी हैं, प्लांट क्रॉप डिजीजेज पनामा, ठीक है, ये मैं अभी करवाने वाला हूँ, अभी इसको करते हैं, ठीक है, एक एक करके। बट अभी देखो, सबसे पहले हम जान लेते हैं अच्छे से टोमेटो डिजीज होती क्या हैं। लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट और सेप्टोरिया लीफ स्पॉट, ये हैं क्या, इनकी थोड़ी सी पिक्स देख लेते हैं। ये देखो लेट ब्लाइट हो गया, ये यहाँ पर ये, ठीक है, ताकि इमेज बन जाए आपके माइंड में कि एक्चुअल में प्लांट डिजीज हैं क्या। ये देखो यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, बहुत सारी इमेजेस मैंने यहाँ पर डाल रखी हैं तो आप देख सकते हो। जैसे पोटैटो में, ठीक है, पोटैटो फील्ड विथ लेट ब्लाइट अप्रॉक्सीमेटली वन वीक आफ्टर द सिम्टम्स वर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड, ठीक है, जो भी वन लाइन इफेक्ट होंगे मैं बताऊंगा आपको। टोमेटो, अब इससे पता चल जाता है कि जो लेट ब्लाइट डिजीज़ है वो किसकी है, टमाटर की है। तो अब आपको ऐसे रटने की कोई ज़रूरत नहीं है कि यार टमाटर में कौन सा होता है लेट ब्लाइट, क्योंकि अभी ये डिटेल से हम करने वाले हैं ताकि आपके माइंड में एक इमेज बन जाए, ठीक है। अब देखो, जो हमने ये लेट ब्लाइट ऑन टमेटो फ्रूट देखा, तो किस तरह से ये सर्वाइव करते हैं, सर्वाइवल ऑफ द लेट ब्लाइट पैथोजन, ओनली सर्वाइव इन लिविंग होस्ट टिश्यू। अब इसके बारे में एक वन लाइनर फैक्ट ये याद रख लेना, जनरली जो होस्ट, अगर सपोज ये जो भी टमाटर में ये लेट ब्लाइट डिजीज़ हो रही है, अगर टमाटर डेड हो जाता है तो ये हमारा पैथोजन भी क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। जैसा हमने यहाँ पर लिखा गया है, ओनली सर्वाइव्स इन लिविंग होस्ट टिश्यूज व्हेन द होस्ट डाई द लेट ब्लाइट पैथोजन डाई। तो कभी कभी क्या होते हैं कि होस्ट मरने के बाद भी जो पैथोजन है वो सर्वाइव करते रहते हैं, बट कभी अगर आ जाता है, सपोज वंदरोगा में ये पूछा जाता है कि जो लेट ब्लाइट डिजीज़ होती है टोमेटो में, होस्ट के मरने में ब्लाइट जो पैथोजन है जिसकी वजह से वो बीमारी हुई है उस टमाटर को, क्या वो भी मर जाता है, यस, ठीक है, तो ये याद रख लेना। उसके बाद ये सर्वाइव कैसे करते हैं, सपोज ये जाते कैसे हैं एजेंट की, अभी हम ये तो एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि किस तरह से होता है। जनरली सीड कटिंग के दौरान, जब सीड कटिंग होती है सीड के बेसिस पे, तो सीड बॉर्न हम कह सकते हैं डिजीज़ है, ओके। उसके बाद यहाँ पर देखा गया था कि बहुत ज़्यादा लेट ब्लाइट हमें देखने को मिली थी यूनाइटेड स्टेट्स में 2009 वर्ष में, ठीक है। ये देखो ये अर्ली ब्लाइट ऐसा हो जाता है, रंग अलग सा हो जाता है, येलोइश कलर का, ठीक है। बाकी यहाँ पर दे रखा है, वाइल अर्ली ब्लाइट इज़ डैमेजिंग
टोमेटो डिजीज इट इज़ नॉट डिवास्टिंग एज लेट ब्लाइट। अब ये वन लाइनर इफेक्ट आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। सपोज टोमेटो में तो बहुत एक क्वेश्चन आ जाता है ना कभी कभी, मोस्ट तो जो भी एक्सपेक्टेड हो सकते हैं मैं वो सब लेके चल रहा हूँ। कभी इसमें देखो यहाँ पर ये बोल रखा है कि वाइल अर्ली ब्लाइट इज़ डैमेजिंग टोमेटो डिजीज इट इज़ नॉट एज डिवास्टिंग एज लेट ब्लाइट। तो अगर क्वेश्चन आता है कि अर्ली ब्लाइट ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है पौधों में या लेट ब्लाइट ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, तो लेट ब्लाइट बहुत ज़्यादा क्या होता है, डिवास्टेटिंग होता है एज़ कम्पेयर्ड टू बात करें अर्ली ब्लाइट के। ठीक है, तो ये टमाटर वाली डिजीज़ है और टमाटर में भी लेट ब्लाइट ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा फैक्ट था, उतना डीप में मैं नहीं जा रहा हूँ कुछ एग्रीकल्चर का, बस ये नॉर्मल सी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ। ये देखो ये डिजीज़ है, ठीक है, ये देखो ये ग्रेप्स की डिजीज़ है जो अंगूर होते हैं उनमें है। अब अंगूर में तो आप समझ जाओगे, अब देखो ये कोई कहेगा आप अंगूर में कौन सी डिजीज़ होती है, तो मैंने पिक्स से आपकी जो इमेज है आपके माइंड में बना दी होगी, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप। ये देखो कैसा डिजीज़ हुई है इसे, इसको तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा अब। ठीक है, ओके, अब देखो यहाँ पर इसकी हिस्ट्री कुछ बता देता हूँ जो कि पूछी जा सकती है। देखिए डाउनी मिल्ड्यू ए लिटिल हिस्ट्री, देखो हिस्ट्री क्या है, पीएमए मिलर डेट एक फ्रेंच बॉटनिस्ट थे, फर्स्ट यूज्ड बोर्डियक्स मिक्सचर। अब देखो यहाँ पर से एक क्वेश्चन बन सकता है फैक्ट के बेसिस पे, एमसीक्यू बेस आ सकता है कि बोर्डियक्स मिक्सचर होता क्या है। तो आपको याद रखना है कॉपर सल्फेट और लाइम का जो मिक्सचर है उसे बोर्डियक्स मिक्सचर कहते हैं। अब जो ये एक हिस्ट्री है ना इनकी पीएमए मिलर डेट की ये है, तो इन्होंने ये सबसे पहला ये मिक्सचर बनाया था। अगर इसके फाउंडर की बात करें तो इनका नाम है मिलर डेट। तो कॉपर सल्फेट और लाइम टू कंट्रोल डाउनी मिल्ड्यू इन द विनयार्ड ऑफ द फ्रांस। ठीक है, अब यहाँ पर जब ये डाउनी मिल्ड्यू हो रहा था, ये डिजीज़ हो रही थी, तो इससे बचने के लिए बोर्डियक्स मिक्सचर बनाया गया। बोर्डियक्स मिक्सचर किस किस के लिए है, कॉपर सल्फेट और लाइम का है मिक्सचर। ठीक है, तो दिस ऑब्जर्वेशन लेड टू द डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट ऑफ बोर्डियक्स मिक्सचर। तो यहाँ पर से इस वजह से जो डाउनी मिल्ड्यू होने लगे थे, इस वजह से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उससे बचने के लिए कौन सा मिक्सचर बनाया गया, बोर्डियक्स मिक्सचर। ठीक है, बोर्डियक्स मिक्सचर किसका है, कॉपर सल्फेट और लाइम का। अब यहाँ पर कुछ अर्ली सिम्टम्स हैं, ये देखो अगर डाउनी मिल्ड्यू हो जाता है वो ग्रेप्स में भी होता है, बहुत दूसरे जो प्लांट हैं उनमें भी होता है। कभी कभी आप ये मत माइंड में बिठाना कि हाँ एक डिजीज़ एक ही को होती है, आप समझ सकते हैं कि एक जो डिजीज़ है वो किसी दूसरे हर एक तीन चार पौधों के लिए बन सकती है। ठीक है, तो ये याद रख लेना। तो आप कहोगे यार मैंने तो विल्ट इसके लिए पढ़ा था, विल्ट तो किसी और में भी है, वीट में भी है। ठीक है, तो ऐसा माइंड में मत रखना इमेज। ओके, डाउनी मिल्ड्यू के सिम्टम्स, लेट सिम्टम्स, ये देखो किस तरह से ये अगर कोई भी पत्ती आपको ऐसे देखने को मिल जाती है तो आप कह सकते हो डाउनी मिल्ड्यू है, और इसके लिए हम कौन सी चीज़ यूज कर सकते हैं, बोर्डियक्स मिक्सचर कॉपर सल्फेट प्लस लाइम का। ठीक है, ककर बिट्स में भी होती है डाउनी मिल्ड्यू। ठीक है, अब देखो ये देखो पाउडरी मिल्ड्यू, इसमें ऐसा कुछ राख टाइप का ऐसे लग जाता है पत्तियों में, तो ये पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज़ हो जाती है। ठीक है, ओके, पाउडरी मिल्ड्यू देखो, और ये एक फंगल से होती है। ठीक है, अभी इसको हम डिटेल में करेंगे, फंगस से होती है। यहाँ पर देखो ये फंगस लगे हुए हैं, ये देखो ये, ठीक है, जितनी भी चीज़ें हैं, ये देखो। नेक्स्ट है रस्ट डिजीज़, ओके, सम रस्ट पैथोजन रिक्वायर्स टू डिफरेंट होस्ट। अब एक कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि रस्ट पैथोजन्स, अगर पूछा जाता है कि रस्ट पैथोजन कम से कम बहुत सारी ऐसी स्पीसीज होती हैं उसको कितने होस्ट की ज़रूरत होती है, एक दो तीन या चार। तो ये छोटी सी एक बेसिक नॉलेज थी जो मैंने इम्पोर्टेंट समझा कि आपको बतानी चाहिए कि बहुत सारी जो रस्ट पैथोजेंस होते हैं, रस्ट देखो जो ऐसी डिजीज़ क्रिएट करते हैं, ये देखो ये पत्तों में। ठीक है, जूम ज़्यादा नहीं करता हूँ, ये देखो रस्ट के, तो जनरली उनको कभी कभी दो पैथोजन की, दो होस्ट की ज़रूरत पड़ती है। दो होस्ट यानी कि एक एप्पल में हो जाएगा तो दूसरा कोई और मान लो, तो उनको जनरली दो होस्ट की ज़रूरत होती है। तो रस्ट की बात करें, रस्ट पैथोजन की, तो दो होस्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये याद रख लेना। देखो ये एप्पल रस्ट है ये, ठीक है, उनकी पत्तियों में वाइट मोल्ड है, ठीक है, ग्रे मोल्ड है, रूट रूट्स हो गया, ये मिट्टी से होता है, सॉइल बॉर्न पैथोजन है, जनरली मिट्टी से आता है और ये डिजीज़ क्रिएट करता है। ठीक है, ज़्यादातर ये क्या करता है, पत्तियों के कलर को क्या कर देता है, हटा देता है। ठीक है, विल्टिंग स्टंटिंग जो
पौधे होते हैं वो छोटे हो जाते हैं, उतना बढ़ नहीं पाती है। येलोइंग थोड़े से हमारे पीले कलर के हो जाते हैं। वायरस डिजीजेज भी बहुत सारी होती हैं, ठीक है। जैसे ये देखो जेरेनियम वायरसेस, तो हल्का सा ऐसा इम्पैक्ट पड़ जाता है। ये रिंग स्पॉट वायरसेस, रिंग स्पॉट वायरसेस कैसे पता करेंगे, ये देखो ये आपको देखने को मिल रहे होंगे, ये देखो ये, ठीक है। तो हल्का सा ऐसे रिंग, उसमें रिंग स्पॉट वायरसेस। कुकुम्बर खीरे में भी होती है ये वायरसेस। अब वायरस की, वायरस जो, वायरस की वजह से जो डिजीज़ होती हैं प्लांट में, उनकी एक ख़ास बात क्या है, देखो मूवमेंट फ्रॉम प्लांट टू प्लांट कैन अकर इन डिफरेंट वेज़। एक प्लांट में अगर चीज़ होगी तो वो दूसरे प्लांट में भी फैल जाती है, अगर वायरस डिजीज़ होती है तो। जनरली बहुत सारी ह्यूमन टच, यानी कि आपने एक पत्ती को छुआ है आप फिर उसके बाद दूसरी पत्ती को छू रहे हैं, तो वायरस डिजीज़ फैल सकती है, ठीक है। प्रूनन एक्टिविटी सोवल्स एंड सो ऑन, ओके। उसके बाद एक एग्जांपल है टोबेको मोज़ेक वायरस का। अब जैसे बहुत ज़्यादा लोग काम करते हैं, टोबेको की पत्तियाँ तोड़ते हैं, तो होस्ट रेंज कैरीड ऑन क्योर्ड टोबेको एंड ट्रांसपोर्ट ईजली टू ह्यूमन हैंड्स थ्रू स्मोकिंग च्यूइंग। इस बेसिस पे भी ये फैल सकते हैं, जैसे मैंने बोला ह्यूमन टच से फैला करते हैं। अब वायरस डिजीज़ जो प्लांट में फैलती है, उसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है कि नॉट क्योरेबल, इनका क्योर ही नहीं है, इसके लिए कोई दवा ही नहीं बनी है। अभी हमने बियोडेक्स जैसे मिक्सचर पढ़ा था कॉपर सल्फेट प्लस लाइम का डाउनी के लिए, उस तरह से वायरस की कोई डिजीज़ होगी तो इसका क्योर ही नहीं है, उसको बचाया जा सकता है, सिर्फ पहले प्रिवेंट किया जा सकता है बस, कि हाँ ये कर सकते हैं। बाकी अगर किसी में सपोज किसी पत्ते में हो गई तो उसको या तो डायरेक्ट रिमूव कर दो या पूरा डिस्ट्रॉय कर दो, ठीक है। नहीं तो वो एक ह्यूमन के टच से या दूसरी जगह से फैल सकता है। फिर उसके बाद स्नो मोल्ड्स है, देखो ये घास में कैसा हो जा रहा है, इसे स्नो मोल्ड्स कहते हैं, ठीक है। ज़्यादातर ये स्नो मोल्ड्स होते क्यों हैं, क्योंकि नाइट्रोजन, कभी कभी फर्टिलाइजर में क्या होता है, नाइट्रोजन की जो क्वांटिटी होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इस वजह से क्या होता है, ये देखो स्नो मोल्ड हो जाते हैं। स्नो मोल्ड्स पूछा जाए तो आपको ये आंसर देना है। दूसरा, मेंटेन लो सॉइल पीएच भी आपको रखना पड़ेगा। पीएच बहुत ज़्यादा हो जाता है कभी, बेसिक कैरेक्टर या अल्कलाइन नेचर की होती है मिट्टी, तो इस वजह से भी स्नो मोल्ड्स हो जाते हैं, ठीक है। तो अब ये जितनी भी चीज़ें थी मैंने आपके माइंड में एक तरह से इमेज क्रिएट कर दी थी, यार एक्चुअल में प्लांट में भी कुछ डिजीजेज होती हैं। अब जो वन लाइनर फैक्ट है हम यहाँ से पढ़ते हैं, जो कि पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो लिस्ट ऑफ डिजीजेज, जैसे बैक्टीरिया की वजह से कौन कौन सी होती है, एस्टर येलो, बैक्टीरियल विल्ट, ब्लाइट होती है, ब्लाइट में भी कौन कौन सी, ये राइस बैक्टीरिया ब्लाइट, कैंकर होती है, क्राउन गॉल होती है, रॉट होती है, स्कैब होती हैं, ये सब बैक्टीरियल हैं, ठीक है। अभी हिंदी में भी करेंगे, ठीक है। बहुत सारे इंग्लिश वाले ऐसा मत, हिंदी वाले ऐसा मत समझना कि अब ये तो सब इंग्लिश में करवा रहे हैं। फंगल डिजीजेज कौन सी होती है, एंथ्राक्नोज, ब्लैक नॉट, कोई अगर ऑप्शन आता है चार उसमें से एक देते हैं ब्लैक नॉट। ब्लैक नॉट कौन सी डिजीज़ है, ब्लैक नॉट है फंगल की वजह से होने वाली, ठीक है। कैंकर है, क्लब रूट है, डैम्पिंग है, ठीक है। एरगॉट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बाजरा के अभी हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेल्ड्यू है, ठीक है। तो ये सब वैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके लिए मैंने नोट्स भी बना रखे हैं, तो आप उसको अच्छे से वहाँ से पढ़ना। रस्ट है, ये देखो स्मट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। बंट है। वायरल डिजीजेज में कर्ली टॉप है, मोज़ेक है, ये वायरसेस से होती है। पोजोरेसिस है, स्पॉटेड विल्ट है, ये वायरस है, ठीक है। अब धीरे धीरे एक एक करके पढ़ते हैं। जैसा मैंने बोला, पौधों में किसी प्रकार का विघ्न जो उसकी सामान्य संरचना, कार्य अथवा आर्थिक उपयोगिता में अवरोध उत्पन्न करता है। सामान्य संरचना यानी कि उसके स्ट्रक्चर में चेंज ला रहा है, कार्य अथवा आर्थिक उपयोगिता इकोनॉमिक वैल्यू को कम कर रहा है, तो उसको प्लांट डिजीज़ कहते हैं। अगर भारत के बारे में बात करूँ, कृषि प्रधान देश है, यानी कि बहुत सारे ऐसे जो फैमिलीज़ हैं वो पूरे डिपेंडेंट है किस में, अपने लाइवलीहुड के फार्मिंग में। बहुत सारे जो उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है, जो इकोनॉमिक डिग्रेडेशन होती है, ठीक है। तो प्लांट डिजीज़ बहुत सारे तरीके से हो सकती है। तो सबसे पहला हम डिस्कस करते हैं वायरल डिजीज़, विषाणुओं की जनित रोग, और उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट चीज़ हो सकती है वो सब एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है वायरल डिजीज़, पहला है टोबैको मोज़ेक डिजीज़ या तंबाकू का मोज़ेक, ठीक है। तंबाकू के पौधे में होने वाले इस रोग का कारक क्या है, टोबैको मोज़ेक वायरस या TMV है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस पूरे डिजीज़ में जो पत्तियां होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, ठीक है, पतली हो जाएंगी, श्रिंक हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी, ठीक है।
और जितना भी पत्तियों में हरित लवक होता है जैसे क्लोरोफिन होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो अब क्लोरोफिन की वजह से जो हरा कलर होता है पत्तियों का वो हट जाता है, तो टोबैको मोज़ेक डिजीज इसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा है ये सब हम वायरल डिजीज़ कर रहे हैं। ठीक है, वायरल डिजीज़ कर रहे हैं, सबसे पहला है TMB। दूसरा, पोटैटो में भी मोज़ेक डिजीज़ होता है। यह रोग पोटैटो वायरस यानी कि पोटैटो वायरस एक्स से होता है। अब इसमें क्या होता है, जो पत्तियां चितकबरापन आ जाता है यानी कि हरी जो चीज़ें होती हैं उसकी हट जाती हैं, ड्वार्फिंग यानी कि बौनापन आ जाता है, नेक्रोसिस हो जाता है। ठीक है, जो ऊतक या ऊतक क्षय है कहते हैं जिसे, नेक्रोसिस हो जाता है इसमें। ठीक है, इस रोग से प्रभावित पौधों का इकट्ठा कर जला देना चाहिए। फिर ये सॉल्यूशन यहाँ पर दिए गए हैं जो कि पूछे नहीं जाएंगे। अब वायरल डिजीज़ में एक चीज़ याद रखना, टॉप ऑफ बनाना में बंची। अब बंची, बंची कौन होता है, बंची मंकी की तरह थोड़ा सा राइम कर रहा है, बंची मंकी, वैसे कर नहीं रहा है पर मान लो बंची एक मंकी है, मंकी का नाम है, तो टॉप ऑफ बनाना में लगता है। तो ये जो प्लांट डिजीज़ है इसके लिए है बनाना वायरस 1। इस रोग में केले के पौधे बौने हो जाते हैं तथा उनके वृंत पर हरी धानियाँ प्रणहित रहित और सभी पत्तियाँ शिखर पर गुलाब बहुत एकत्रित हो जाती हैं। बहुत सारे इंग्लिश मीडियम वालों को समझ में नहीं आ रहा, उनके लिए बता देता हूँ, कुछ है नहीं, बस आप ये याद रखो बंची जो है वो बनाना में होता है। ठीक है, उसके बाद कुछ जीवाणु जनित हैं, बैक्टीरियल डिजीज हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो बैक्टीरिया की वजह से होता है वो है विल्ट ऑफ पोटैटो यानी का आलू का सैथिल रोग। अब ये रोग किस वजह से होता है, यह है सीडोमोनस सोलानीसरम नामक एक जीवाणु है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है मे बी, क्योंकि थोड़ा सा कंपटीशन टफ होगा तो थोड़ा सा लेवल तो बढ़ाएंगे ही। ठीक है, तो इसको एक और याद रखना, विल्ट ऑफ पोटैटो को एक नाम से, इसी रोग को, इसी सेम प्लांट डिजीज़ को एक नाम से जाना जाता है, इसे रोग को रिंग रोंग या रिंग डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है। इस रोग में पौधे का संवहन तंत्र प्रभावित हो जाता है, पौधों की जो पत्तियाँ होती हैं वो पीली हो जाती हैं, येलोइश कलर की होती हैं, जो जाइलम पर भूरा रिंग ब्राउन रिंग बन जाता है, जो जाइलम है। अब जाइलम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जनरली वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मिनरल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो जाइलम में क्या होता है, ब्राउन रिंग बन जाता है, तो इसलिए इसको रिंग डिजीज़ भी कहते हैं। तो विल्ट ऑफ पोटैटो अगर पूछा जाता है तो इसे क्या कहते हैं, रिंग डिजीज़ कहते हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है ब्लैक आर्म, और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड SSC में पूछा जाता है, जो CHSL है उसमें पूछा गया था। तो ब्लैक आर्म और एंगुलर लीप स्पॉट ऑफ कॉटन, तो ब्लैक आर्म किसके लिए होती है, कॉटन के लिए होती है। ठीक है, काले में सफ़ेद पांडा मान लो ब्लैक आर्म का मतलब होता है, ब्लैक आर्म। तो देखो पांडा कैसे होता है, पांडा होता है ब्लैक कलर का, उसके आर्म होते हैं सपोज ब्लैक कलर के, और पांडे का मुंह सपोज क्या होता है, वाइट होता है, पांडा तो होता है ना ब्लैक एंड वाइट, तो सोच लो उसका ब्लैक आर्म है तो ब्लैक आर्म कौन होगा, कॉटन होगा, तो वाइट क्या होता है, कॉटन होता है। तो इस बेसिस पे अपनी अपनी ट्रिक बनाओ और याद कर लो। ठीक है, इस कारक का है जेंथोमोनस नामक जो बैक्टीरिया है वो इसको कॉज करता है। इस रोग से प्रभावित पौधों की पत्तियाँ छोटी सी जलाद संरचना बन जाती है जो बाद में भूरी हो जाती है, ब्राउन कलर की हो जाती है, तनों पर काले लंबे छत चिन्ह हो जाते हैं। तो इतना ज़्यादा हमें डीप में नहीं पढ़ना है, जनरली हमें क्या है, आम ब्लैक आम किससे रिलेटेड है, कॉटन से रिलेटेड है। उसके बाद ब्लाइट ऑफ राइस यानी कि धान का अंगमारी रोग, ये भी जेंथोमोनस ऑरिजाई नामक जीवाणु से होता है। एक तरह सतहों पर पीला हरा स्पॉट दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा नहीं पूछेंगे कि क्या है, टेम्परेचर कितना मेंटेन रखना है, बट आप PDF में जो आप जो भी लोग PDF देंगे उसमें हल्की सी डिटेल आप पा सकते हैं। उसके बाद जो सिट्रस जनरली प्लांट होते हैं उसमें कैंकर नामक डिजीज़ होती है। ठीक है, जेंथोमोनस सिट्री नामक जो बैक्टीरिया है यह रोग नींबू उत्पादन हेतु गंभीर समस्या उत्पादन करता है। ठीक है, ज़्यादातर जो अगर नींबू लेमन, नींबू का मतलब होता है लेमन, लेमन का प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें जो कैंकर, अभी टमाटर में भी देखेंगे कैंकर टमाटर में भी होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो रंग होते हैं पत्तियों पर छोटे गोल चिन्ह जो कि भूरे रंग के हो जाते हैं। ठीक है, तो सिट्रस में कैंकर होता जाए जितना। उसके बाद गेहूं की अगर बात करूं तो टुंडू, गेहूं में कौन सा रोग है, टुंडू, ये किसकी वजह से होता है, कॉरिन बैक्टीरियम के वजह से, कॉरिन बैक्टीरियम एंडोबाइटिकम ठीक है नामक जीवाणु, एक एंजाइना टेट्रिकी
नामक नीमाटोड है। नीमाटोड यानी कि क्या होता है, देखिए अभी तक हम वायरस का देख रहे थे, नीमाटोड एक तरह से वॉर्म होता है, ठीक है, तो टुंडू रोग पता होना चाहिए। उसके बाद है कवक जनित रोग, यानी कि फंगल डिजीजेस से कौन कौन से रोग होते हैं। उसके बाद इस रोग का कारक है, देखो सबसे पहला जो कवक जनित है वह है आलू का वॉर्ट रोग। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आलू का जो वॉर्ट रोग होता है ये किसके होता है, सिंगट्रियम एंडोबाइटिकम नामक फंगस है, एक कवक के उससे होता है, रिस्पॉन्सिबल है। इस रोग के कारण आलू के कंद यानी कि ट्यूबर में काले धागे जैसी संरचना बन जाती है और कभी कभी संपूर्ण आलू ही सड़ जाता है। इस रोग के नियंत्रण कोरस्टाइन विधि के स्वस्थ क्षेत्र में रोग का प्रवेश रोककर तथा HGCl2 और CuS4 आदि रसायन का भूमि पर छिड़काव किया जाता है। अगर बात की जाती है डिजीज ऑफ पोटैटो में वॉर्ट डिजीज हो जाती है तो आपको याद रखना है HGCl2 प्लस कॉपर सल्फेट, ठीक है, मर्क्यूरिक क्लोराइड प्लस कॉपर सल्फेट होता है। तो इसके बेसिस पे जो इम्पोर्टेंट है, सभी मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं किसी किसी में जो इम्पोर्टेंट, जैसे बेरोडिक्स आपको बताया था मिक्सचर, तो उसके लिए और इसके लिए वॉर्ट पोटैटो को जो डिजीज़ है उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो पैथोजन का नाम है यहाँ पर, फाइटोथोरा इन्फेस्टेंस नामक होता है। उसके बाद है सबसे इम्पोर्टेंट है ग्रीन एयर, यानी कि बाजरा का ग्रीन एयर रोग किस में होता है, बाजरा में ग्रीन एयर रोग होता है, ठीक है, ये आपको पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैंने ऐसे ही यहाँ पर जो PDF लेगा वो पढ़ सकता है, पर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। गन्ने का लाल सड़न रोग रेड रॉट ऑफ शुगर केन, तो रेड रॉट किस में होता है, शुगर केन में होता है, ठीक है। तने का छोटा हो जाना, पत्तियों का मुरझाना तथा उनका फटना इस रोग के अन्य प्रमुख लक्षण हैं। ऐसा नहीं आएगा, इससे आएगा क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि टिक्का डिजीज़ किससे रिलेटेड है, ग्राउंडनट से, ठीक है। उसके बाद रस्ट ऑफ वीट, फिर है लूज स्मट भी किस में होता है, गेहूं में होता है, ठीक है। उसके बाद डैम्पिंग ऑफ या आदगलन, डैम्पिंग ऑफ रोग से प्रभावित बीज भूमि में उगने में असमर्थ होते हैं, ओके, इस तरह के, या उगते ही मर जाते हैं, उसे डैम्पिंग ऑफ कहते हैं, ओके। उसके बाद है ब्राउन लीफ स्पॉट, भूरे स्पॉट धब्बे हो जाना पत्तियों में, तो वो किस में होता है, पैडी या राइस में हो सकता है। और एक और चीज़ इम्पोर्टेंट, एरगॉट, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एरगॉट ये किस में होता है, बाजरा में होता है, बाजरा में, ठीक है। अब कुछ रोग देख लेते हैं जो वल्नरेबल फैक्ट हैं, स्मट है बाजरा में, एरगॉट भी है बाजरा में, विल्ट है अरहर में, ठीक है। उसके बाद गेहूं में कौन सी है, पाउडरी मिल्ड्यू है, राई का एरगॉट है, ठीक है, राई में होता है। उसके बाद स्टेम गॉल डिजीज़ है कोरिएंडर में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब कुछ देख लेते हैं एबायोटिक डिजीजेज, जैसे अब जो हम देखने वाले हैं उसमें हम डेफिशिएंसी भी देखेंगे कि किसकी कमी से क्या होने वाला है, ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। खैरा डिजीज़ किस में होती है, राइस में होती है, और ये किसकी कमी से हो रही है, जिंक की कमी से, जस्ता जिसे बोलते हैं। उसके बाद मटर में होती है मार्स डिजीज़, अगर आता है पी में कौन सी डिजीज़ होती है, इसके लिए एक ट्रिक है PM, यानी कि पी है मार्स, प्राइम मिनिस्टर PM, ठीक है, मार्स में गए, इस तरह से आप याद कर लो, ओके। ये किसकी कमी से होता है, मैग्नीज की कमी से, किसकी कमी से, मैग्नीज। उसके बाद नेक्स्ट है डाईबैक डिजीज़ सिट्रस, ये नींबू में होती है ज़्यादातर, ये किसकी कमी से होती है, कॉपर, ठीक है, अभी ये हिंदी में भी बताऊँगा, वैसे ये हिंदी में ही है, दोनों में है, इंग्लिश आप कह सकते हो। फिर उसके बाद लिटिल लीफ जो डिजीज़ है मैंगो में, वो जिंक की वजह से होती है, ठीक है। अब थोड़े थोड़े कुछ कुछ हम देख लेते हैं, जो चीज़ अभी मैं इंग्लिश में बताने जाऊँगा वो पहले हिंदी में बता रहा हूँ, तो ये मत कहना कि यार हमें हिंदी में नहीं मिला, हमें इंग्लिश में नहीं मिला, तो ये सब दोनों इंक्लूड है। अर्गट रोग बाजरा में, उकटा रोग चना में, हरित वाली रोग बाजरा, श्वेत फफोला रोग सरसों में, कैंकर रोग नींबू में, ज़्यादातर कैंकर किस में होता है, सिट्रस में होता है। एयर कोकल रोग गेहूं में, खेरा रोग धान में, अभी हमने देखा, लाल सड़न रोग गन्ने में, करनाल बंट रोग गेहूं में, पनामा सूखा रोग केले में, अभी मैं यही चीज़ इंग्लिश में
जैसे एक मैसेज टाइप करते हैं वो चीज़ आपको पीडीएफ दिखाता हूँ अभी। फाइलोडी रोग, फाइलोडी तिल में, कोई लिया रोग आम में, और अब थोड़े से टुंगरू, टुंगरू किस में है, धान में। अभी हमने इससे पहले वीट पढ़ा था इंग्लिश में, तो वही चीज़ हिंदी में भी है। पीत सिरा रोग भिंडी में, पपीता में, तंबाकू में। हैन व चिकन रोग, ये अच्छे से याद करना। अब इसको कैसे याद करो, देखो हैन और चिकन, अब हैन क्या देती है, अंडा देती है, अंडा किस तरह से होता है, अंगूर की तरह होता है। टिक्का रोग, टिक्का में चिकन टिक्का में मूँगफली मिला के खाते हैं कोई लोग, ठीक है, तुम इस तरह से याद कर लो। ब्लैक आर्म रोग, कपास में ब्लैक आर्म, अभी हमने पांडा वाला देखा था तो वही है ये ब्लैक आर्म। बक आई, यह है टमाटर में, ठीक है। ग्रासी सूट रोग, ये गन्ने में। मौलिया रोग, गेहूं और जौ में। फिर चूर्णन फफूंद रोग, मटर में, ठीक है। ये चीज़ हमने हिंदी में देख ली, इसी चीज़ को इंग्लिश में देख लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। ये छोटे से आपके लिए वन लाइनर फैक्ट हो जाएंगे, पेपर से पहले झट से दो मिनट देख लो, ये पीडीएफ रिवाइज कर लो। पनामा सूखा, देखो मैंने इस तरह से हिंदी में जो चीज़ लिखी है वही चीज़ उसको इंग्लिश में लिख दिया है, बाकी वही चीज़ है। एरगोड बाजरा में, उकटा चने में, टिक्का मूँगफली में, खेरा धान में, लाल सड़न गन्ने में, करनाल बंट गेहूँ में, ठीक है। श्वेत फफोला सरसों में, ब्लैक आम कपास में, कैंकर नींबू में, कोकेल गेहूं में। अभी मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है बताने वाला हूँ कौन कौन से डेफिशिएंसी होती है उसके वजह से, ठीक है। फिलौदी ग्रासी सूट गन्ने में, मौलिया गेहूं में, पीट सिरा भिंडी पपीता वो, तो वही चीज़ जो हैन और चिकन अंगूर में, ठीक है, ग्रेप्स में। अब यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से डिजीज़ हैं और कौन कौन से डायरेक्ट होते हैं। नेम ऑफ द क्रॉप और बैक्टीरियल डिजीज़ कौन सी है, बैक्टीरियल डिजीज़ है ब्लाइट। अब किस में होती है ब्लाइट, बीन्स में होती है, राइस में होती है। ब्लैक आम कॉटन में होती है, कैंकर टमाटो में होती है, रिंग रॉट या ब्राउन रॉट आलू में होती है। फंगल डिजीज़ में देखो रेड रॉट, एरगॉट, विल्ट, टिक्का, ब्लास्ट, फुट रॉट, पैडी या पपाया में, राइस में, ग्राउंड नट में, ये पिजन पी में होती है विल्ट। एरगॉट, ग्रीन ईयर, स्मट, ये सब बाजरा में होती हैं। स्मट और एरगॉट तो ये वाला तो पॉइंट आप रट ही लो, ये वाला एरगॉट और स्मट बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, मोस्ट पॉसिबल रिपीटेड क्वेश्चन है ये। उसके बाद रस्ट, पाउडरी मिल्ड्यू स्मट वीट में भी होता है, रस्ट कॉफ़ी में होता है, ठीक है। लेट ब्लाइट आलू में होता है, हमने देखा था लेट ब्लाइट का। तो ग्रेप्स, कैबेज, कॉलीफ्लावर, बाजरा, मस्टर्ड, ये क्या होता है, डाउनी मिल्ड्यू। वाइट रस्ट में किस में होता है, रेडिस और टर्निप, टर्निप का मतलब होता है सलजम, ठीक है। उसके बाद वायरस वाली डिजीज़ देखते हैं, मोज़ेक हो गया, लीफ कर्ल हो गया, बंची टॉप हो गया, लीफ रोल हो गया। बंची टॉप तो पता ही है, बंची किस में, मंकी की तरह, मंकी को क्या पसंद है, बनाना, केला पसंद है। रेड लीफ कैरोट है, मोजिया है, टॉबेक लीव कर लिया क्या, पपाया, ठीक है। अब वन लाइनर फैक्ट भी देख लेते हैं जो कि पूछे जा सकते हैं। सॉरी, तो जो पैडी या राइस में ब्लास्ट डिजीज़ होती है फंजाई की वजह से, ब्राउन स्पॉट हो जाते हैं लीव्स में, ठीक है। भेंडी येलो सबसे पहले रिपोर्ट किया था ओकरा प्लांट्स में 1924 में इंडिया और श्रीलंका में, ये दो कंट्री के बारे में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या लिखा है, फैक्टर जो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहते हैं किसी बीमारी के लिए, जो रोग होता है, तो सबसे ज़्यादा कवक, फंजाई की वजह से। प्लांट्स आर मेड डिजीज रेजिस्टेंस बाय क्रॉस ब्रीडिंग विथ वाइल्ड वेराइटी, ठीक है। ज़्यादातर जो पौधों को बचाया जाता है किस वजह से, जो क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हैं, ठीक है। हिंदी वाले भी अच्छे से समझ सकते हैं इसको। कैंकर डिजीज़ जो नींबू में होती है वो किस वजह से होती है, बैक्टीरिया में होती है। रेड रस्ट जो चाय में होती है, चाय के पत्तों में होती है, ग्रीन एल्गी के वजह से होती है। बाकी ग्रीन एयर जो डिजीज़ है वो बाजरा में, ठीक है। रेड रस्ट है ग्रीन एल्गी के वजह से। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है, फॉलोइंग स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंसेक्ट इज मोस्ट हार्मफुल फॉर क्रॉप्स। अब जो कैटरपिलर स्टेज होती है उसमें जो इंसेक्ट की डेवलपमेंट होती है, जब इंसेक्ट जन्म ले रहा होता है उसमें जो कैटरपिलर स्टेज होती है सबसे हार्मफुल स्टेज होती है, जो कि क्रॉप को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाती है। मिलीबग किस में होती है, मस्टर्ड में है, ठीक है।
अब यहाँ पर देख लेते हैं, साइंटिस्ट हु स्टडीड अबाउट वीट ट्रस्ट प्रॉब्लम, इनमें से इंडिया के ऐसे कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने वीट ट्रस्ट के बारे में स्टडी की, उनका नाम है केसी मेहता। फायर ब्लाइट किस में होता है, एप्पल में होता है। अर्ली लीफ स्पॉट ग्राउंड नट में। सेक्सुअल स्टेज ऑफ राइस को क्या बोलते हैं, मैग्ना पोर्था ग्रीशिया, ठीक है ओके। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़, रस्ट ऑफ लाइन सीड एंड फ्लैक्स कैन बी कंट्रोल बाय द स्प्रे ऑफ बोरेक्स, ठीक है, जो लाइन सीड है उसका रस्ट बचाने के लिए बोरेक्स को छिड़का जाता है, ठीक है। अब थोड़े से एजेंट पढ़ लेते हैं, कौन कौन से एजेंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। रस्ट ऑफ वीट ब्लैक ब्राउन येल्लो, ये एयर के वजह से होते हैं। सीसम लीफ स्पॉट सीड बॉर्न होते हैं, बीज की हेल्प से होते हैं। रेड रॉट गन्ने में जो रेड रॉट होता है वो सीड बॉर्न होता है। एरगॉट जो बाजरा में होता है वो सीड बॉर्न होता है। ग्रीन ईयर डिजीज सॉयल बॉर्न होता है। स्मट जो बाजरा में होता है वो सॉयल बॉर्न होता है। देखो ये एक चीज़ याद रखना है, जो एरगॉट होता है ना बाजरा में, और स्मट भी होता है बाजरा में, पर एरगॉट जो होता है सीड बॉर्न होता है, स्मट जो होता है मिट्टी की वजह से होता है, ये होता है बीज की वजह से। टिक्का तो आप सबको अब पता चल गया होगा, ग्राउंड नट सॉइल बॉर्न। ब्लास्ट ऑफ राइस एयरबॉर्न, कॉफ़ी जो होता है एयरबॉर्न होती है। लेट ब्लाइट पोटैटो सॉइल बॉर्न, यानी कि मिट्टी के वजह से होता है, मिट्टी से फैलता है। विल्ट पीजन पी में होता है, विल्ट कॉटन में कपास में भी होता है, फूट रूट पैडी में होता है, फूट रूट पपाया में भी होता है, ठीक है, ये सब चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद कुछ वायरल डिजीज हैं, जैसे पोटैटो मोज़ेक है, टोबैको मोज़ेक है, बंची टॉप ऑफ बनाना है, ठीक है, कैरेट एंड रेड लीफ है, पोटैटो लीफ रोल है। बैक्टीरियल डिजीज जैसे राइस में सीड बॉर्न होती हैं, ब्राउन रॉट है पोटैटो में, रिंग रॉट है पोटैटो में, टुंडू याद कर लो वीट में, टुंडू ब्लैक आर्म कॉटन में सीड बॉर्न होती हैं। उसके बाद नीमाटोड एक तरह से वॉर्म है, जैसे राउंड वॉर्म थ्रेड वॉर्म होते हैं, ठीक है, तो रूट नॉट जो टमेटो में होता है, बाकी पोटैटो में, चिली में, ब्रिंजल और रेडिस उसमें भी होता है, ठीक है। उसके बाद कुछ वन लाइनर फैक्ट कर लेते हैं। स्टेम बोरर किस में होता है, राइस में होता है। ब्राउन प्लांट किस में होता है, राइस में होता है। पिंक बॉल वॉर्म कॉटन में होता है। गुंडी बग पैडी बग क्रिएट होता है। अब उसके बाद लास्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर स्वामीनाथन जी को बोलते हैं। पूरे वर्ल्ड में ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर हैं नॉर्मन बोरलॉग। फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन है डॉक्टर हीरालाल चौधरी। वाइट रेवोल्यूशन के हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। अब लास्ट देख लेते हैं, फिर उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं, कौन कौन सी, फिर इसके बाद सिर्फ ओनली पार्ट थर्ड आएगा, डिजीज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एलिमेंट, ठीक है। अब ये कुछ डिजीज हैं आपको याद कर लेनी है कि कौन कौन सी एलिमेंट की कमी से होती हैं। लिटिल लीफ आम में जिंक की कमी से, जस्ता। वाइट बर्ड मेज में जिंक की कमी से। डी आई बैक है, ठीक है, ये नींबू में कॉपर की कमी से। लिटिल लीफ लेमन कॉपर की वजह से। मार्स डिजीज़, अब मैंने बताया किस में होती है, पी मार्स डिजीज़ किसकी वजह से, मैग्नीज की वजह से। ब्लैक नट किसकी वजह से, ऑक्सीजन की कमी से, जो पोटैटो में ब्लैक नट होता है वो ऑक्सीजन की कमी से होता है। आमला में बोरोन की कमी से। लीची में पोटेशियम की कमी से। नॉटर स्पॉट टर्निप का मतलब होता है सलजम, ये किसकी वजह से, कैल्शियम और मॉलिब्डेनम, ठीक है, एज ए कैटलिस्ट भी यूज़ करते हैं मॉलिब्डेनम को। तो ये पूरा कंप्लीट जितना भी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्रीकल्चर में प्लांट डिजीजेज, तो ऑलमोस्ट हम कॉम्प्रिहेंसिव कवर कर चुके हैं, जितने भी चीज़ें जितने भी सोर्स थे प्लांट डिजीजेज के हम कवर कर चुके हैं। इसके बाद लास्ट पार्ट आएगा, थर्ड पार्ट, वो भी एक घंटे का होगा। जैसा मैंने बोला एग्रीकल्चर का क्रैश कोर्स 3 घंटे में ऑलरेडी हम कराएंगे। जो लास्ट पार्ट रहेगा उसमें क्रॉपिंग पैटर्न है, बहुत सारे जितने भी वन लाइनर फैक्ट एग्रीकल्चर में पूछे जा सकते हैं वो लास्ट पार्ट में हम कवर करेंगे। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बहुत सारे कमेंट कीजिए, बहुत सारे लाइक कीजिए, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसा है कि वो ज़्यादा पुश करता है वीडियो को फिर, ठीक है, जितना लाइक और जितना कमेंट होगा तो वीडियो को पुश करेगा, उतनी ही रीच बढ़ती है वीडियो की, ओके। बाकी कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट शेयर हम करते रहते हैं। धन्यवाद।